नमस्कार दोस्तों, मैं तो दोस्त मनु मोड़। दोस्तों कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब की यह सैकेंड क्लास है अपनी। जो फर्स्ट क्लास तुम नहीं देखी तो वीडियो के एंड में तुम्हें उसका लिंक मिल जाओ, उत्थे जाके तुम चैक कर सकते हो। तो हूँ आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा अपनी मोटिव से आने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, भारत की वंड तो पहला बसंत पंचमी का मुख्य मेला कितने मनाया गया? दोस्तों लाहौर में भारत की वंड तो पहला जो बसंत पंचमी का मुख्य मेला बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, किस सम्मान विच छप्पड़ का मेला लगाया जाता है? इतने स्पैलिंग मिसटेक होगी दोस्तों, गुगा पीर जी की समाधि है जिथे इस सम्मान विच छप्पड़ का मेला भरता है। तो 33 क्वेश्चन नंबर की गल करिए, बसंत पंचमी के दौरान लोग किहड़े रंग के कपड़े पाउंदे ने? दोस्तों पीले रंग के लोग कपड़े पाउंदे ने नॉर्मली। तो 34 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, मुक्तसर का मेला किन्ने दिन चलता है? दोस्तों 3 दिन तक मुक्तसर का मेला चलता है। तो मुक्तसर के दूजे दिन मेले के 3 पवित्र टिब्बिया का जुलूस कढ़ाया जाता है। यह 3 पवित्र टिब्बे ने जोड़े रिकाब साहिब, टिब्बी साहिब के मुखवंजन साहिब। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए दोस्तों, मुक्तसर का मेला किस दी लड़ाई की यादगार विच बनाया जाता है? दोस्तों गुरु गोबिंद सिंह जी के मुगलों विचकार लड़ाई हुई थी, उसकी यादगारी में मुक्तसर का मेला भरता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए दोस्तों, किस ने मुक्तसर नू मुक्ति सरोवर कहा है? दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने मुक्तसर नू मुक्ति सरोवर का नाम दिता सी। होली के अगले दिन किहड़ा मेला मनाया जाता है? होली के अगले दिन दोस्तों होला महला बनाया जाता है। एंड ये होला महला कितने मनाया जाता है? दोस्तों आनंदपुर साहिब महला ही मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए दोस्तों, किहड़ा गीत बच्चे के जन्म नाल जुड़िया हुआ है? दोस्तों ये सारे प्रीवियस एग्जाम आए हुए क्वेश्चन ने, पंजाब के प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं, तो उन्होंने ही यह इनकलूड किए हैं। जो मेन मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट ने, वो इस वीडियो में मैं इनकलूड किए हुए हैं। एंड इस तो इलावा जो तुम कल्चर ऑफ पंजाब की 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में परचेज करना चाहते हो, तो मैं इस इंस्टाग्राम ID उपर मैसेज करके मेरे नाल गल करके वो तुम खरीद सकते हो। इस PDF फाइल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनकलूड किए गए हैं। ओके दोस्तों, हम आप नैक्सट सवाल की गल करते हैं, किहड़ा गीत बच्चे के जन्म नाल जुड़िया हुआ है? दोस्तों हरिया एक लोक गीत है जो बच्चे के जन्म दौरान गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, ब्याह के समय जो लाड़ी की जगह पर गाया जाता है उस नू की कहते हैं? उस गीत नू की कहते हैं? सुहाग गीत उन्होंने कहा जाता है। दोस्तों 42 क्वेश्चन नंबर की गल करिए, ब्याह के समय किहड़ा गाना लाड़े की जगह पर यानी मेल की शादी होंगी जो उदो गाया जाता है? तो घोड़ियाँ गाया जाता, अपना सबन पता दोस्तों। ये तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन तो अपन रोज़ लाइफ में देखने या सुनने मिल जाते हैं। व्यर्थ जिन्होंने आप वैन कह दें या अलहानियाँ किस नाल संबंधित है? दोस्तों सोग के गीत होंगे ने, यह तुहानू भी पता है, जो कोई मर जाता है या कोई दुख होंगे उदो वैन पाए जाते हैं या अलहानियाँ गाई जाती ने। तो क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, रुक हेठां बैठिया औरतों द्वारा चरखा कत्तण नूं की कहा जाता है? दोस्तों त्रिंजना, जो कुछ औरतों का समूह एक रुख नीचे बैठ के कट्ठिया चरखा कत्तदियां ने, तो उस प्रोसैस में जोड़ा त्रिंजना कहा जाता है। तरंजना के दिन की कहा जाता है? दोस्तों चिरी चिरंग तरंजना के दिन कहा जाता है। नैक्सट सवाल की गल करिए, झूमर आते समय कि द्वारा परफॉर्म किया जाता है? दोस्तों दोवें औरतें भी कर सकती इस परफॉर्म, तो मर्द भी कर सकते। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ तुम्हें देखनी नहीं है, देखने नाल तुहानू समझ नहीं आएगा। अपने नोट्स बनाओ एंड कॉपी पेन लैके ही वीडियोज़ कोई भी देखा करो, तो जो भी वीडियो तुम्हें दसा जाता है उसनों अपने नोटबुक उपर नोट कर लिया करो। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, नौटंकी का रूप है? दोस्तों स्वंग जो एक नौटंकी का रूप होंगे। एंड 48 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, ख्योरा आम तौर पर किस दौरान गाया जाता? एक तरह का गीत होंगे दोस्तों जो ब्याह के टाइम गाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, गुगे की माड़ी का स्थान कदों बनाया गया? गुगे माड़ी मतलब जो स्थान है गुगे पीर का, वह कदों बनाया? 1890 ईस्वी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, जरग का मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चेत के महीने में दोस्तों जरग का मेला आयोजित किया जाता है। पंजाब विच अप्रैल और मई के महीने की कहा जाता है? दोस्तों विसाख का महीना आप नॉर्मल अपनी देसी लैंग्वेज अप्रैल और मई के महीने विसाख का महीना कह दें। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, पंजाब मई और जून के महीने की कहा जाता है? दोस्तों मई और जून के महीने जेठ का महीना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, पंजाब जून और जुलाई के महीने की कहा जाता है? दोस्तों हाड़ स्पैलिंग मिस्टेक होगी, हाड़ का महीना जून और जुलाई में कहा जाता है।
एंड क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए दोस्तों, पंजाब में जुलाई और अगस्त के महीने को कहा जाता है? सावन का महीना जुलाई और अगस्त के महीने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, अगस्त और सितंबर के महीने को पंजाब में क्या कहा जाता है? भादो का महीना अगस्त और सितंबर के महीने को कहा जाता है। पंजाब में सितंबर और अक्टूबर के महीने को क्या कहा जाता है दोस्तों? आसू का महीना आप कह दें। 57 की गल करिए, अक्टूबर और नवंबर के महीने को पंजाब में क्या कहा जाता है? कत्तक का महीना दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीने को कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए, नवंबर और दसंबर के महीने को पंजाब में क्या कहा जाता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब मैनू पता नहीं, इस सवाल का जवाब तुम सर्च करके इस वीडियो के कमेंट में मैनू दसना है, ता जो मैनू भी थोड़ी हेल्प मिल सके थोड़े तो। ओके दोस्तों, एंड एक इनफॉर्मेशन होर दोस्तों, डेली मैं 6 बजे शाम को कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करदा, जिस विच इंपोर्टेंट MCQ दे क्वेश्चंस इस विच इनकलूड हुंदे ने, जो एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट ने। इस करके इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो लैण लई साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो नूं लाइक कर लो, तां जो तुहानूं डेली 6 बजे न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, पंजाब में दसंबर के महीने को दसंबर एंड जनवरी के महीने को क्या कहा जाता है? पोह का महीना दसंबर और जनवरी के महीने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की गल करिए, जनवरी और फरवरी के महीने को क्या कहा जाता है? माघ का महीना दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने को कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, फरवरी और मार्च में पंजाब के महीने में फागण कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, ये मेले ने जोड़े भी इंपोर्टेंट मेले ने अपने पंजाब में, वह कितने सैलीब्रेट किए जाते हैं? तो एग्जाम में यह इस रिलेटड पूछा जाता है, तो करके मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। विसाखी का मेला दोस्तों आल पंजाब में सैलीब्रेट किया जाता है। होला महला जिम्मे कि मैं दस दिता ऑलरेडी कि आनंदपुर साहब सैलीब्रेट किया जाता है। सोडल मेला होंगे एक दोस्तों यह जलंधर में, माघी का मेला जो होंगे श्री मुक्तसर साहब, बाबा शेख शहीद का मेला फरीदकोट में, जरग का मेला लुधियाना, जोरा का मेला फतहगढ़ साहब सैलीब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए दोस्तों, पंजाब में अर्ली मॉर्निंग की कहा जाता है? अमृत वेला दोस्तों अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है। तो पंजाब में ब्रेकफास्ट टाइम में की कहा जाता है? छाह का वेला या चाह का वेला अपन इस कह दें। तो पंजाब शाम के समय में की कहा जाता है? लाडा वेला शाम के समय में पंजाब में कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एंड दोस्तों मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। उदों तक जो साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक कर लो, तो एक प्यारा जहा कमेंट भी वीडियो कर दो।